जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रवर्णी भद्रा चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भद्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और राधे शक्ति माँ भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। तो चंद्रवर्णी भद्रा चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा धनुराशि के जातकों के लिए। तो धनुराशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं धनुराशि के जातकों के लिए 5 से लेकर 11 अगस्त 2024 का यह सप्ताह कैसा रहेगा। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में बात करेंगे सुंदर से उपाय की, जिस उपाय को करके आप इस सप्ताह को सुफलदायक बना सकेंगे। तो जितने भी धनुराशि के जातक हैं, वीडियो में सभी अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं धनुराशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त 2024 का यह सप्ताह। तो जितने भी धनुराशि के जातक हैं, धनुराशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जो है काफी भागदौड़ भरा रहने वाला है। तो 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त 2024 का यह सप्ताह धनुराशि के जातकों के लिए भागदौड़ भरा होने वाला है। इस सप्ताह जो है धनुराशि के जातकों को काम के लिए जो है ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। और धनुराशि के जो जातक हैं उनके लिए सुखद पहलू यह है कि आपके द्वारा की गई परिश्रम और प्रयास का आपको पूरा फल प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। यदि आप जो है इस सप्ताह अपने समय और अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करके चलते हैं तो आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता और लाभ प्राप्त हो सकता है। तो अगर आप जो है इस सप्ताह जो है समय का और अपनी ऊर्जा का सही से प्रबंधन करके चलेंगे तो आपको इस सप्ताह उम्मीद से भी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। और इस सप्ताह जो धनुराशि के जातक हैं, इस सप्ताह आपको करियर और कारोबार में जो है विशेष सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। तो आपको खूब प्रयास करने हैं, अच्छे प्रयास करने हैं, ताकि जो है आप इस सप्ताह को सुफलदायी बना सकें और अच्छे लाभ की जो है आपको इस सप्ताह प्राप्त हो। तो धनुराशि के जातकों के लिए विशेष सफलता के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। और सप्ताह का जो पूर्वार्ध भाग होगा तो पूर्वार्ध में आप अपने जीवन शैली में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान आप जो है नई योजनाओं पर कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं, नई नई योजनाएं बना करके उन पर कार्य करेंगे। और इस दौरान आपको जो है भूमि भवन और पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। इस सप्ताह आप जो है त्वरित लाभ के लिए, तुरंत लाभ प्राप्त करने के लिए जो है धनुराशि के जातक जो है वह शॉर्टकट अपना सकते हैं, परंतु आपको जो है शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा। अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं तो आपसे जो है गलती होने वाली है, आप जो है कुछ गलतियां करेंगे जिससे क्या होगा कि फिर आपके कार्यों में बाधाएं आएंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, नहीं तो आपके बने बनाए काम जो है बिगड़ सकते हैं। जो राजनीति से जुड़े हुए धनुराशि के जातक हैं, तो राजनीति से जुड़े हुए धनुराशि के जातकों के लिए सप्ताह का जो उत्तरार्ध भाग होगा वह आपके लिए बहुत ही सुफलदायी होने वाला है। आप अपने जो विरोधी हैं, जो आपके विरोधी हैं उनको मात देते हुए सत्ता के शिखर की ओर जो है आगे बढ़ते हुए आप नजर आएंगे। इस दौरान जो है आपको उच्च पद की प्राप्ति भी होते हुए संभव दिख रही है। और इस दौरान जो है कारोबार के सिलसिले में धनुराशि के जो जातक हैं उन्हें लंबी और छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो जो कारोबार करने वाले हैं वो इस सप्ताह जो है धनुराशि के जातक जो है किसी यात्रा पे जा सकते हैं अपने कारोबार के सिलसिले में। तो यह यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, यात्रा आपके लिए शुभ होंगे और लाभप्रद साबित होती हुई दिख रही है। इस सप्ताह जो है आपकी झोली में न सिर्फ पैसा बल्कि प्यार भी आकर के गिरने वाला है। यदि आप जो है किसी के सामने इस सप्ताह जो है प्रेम का इजहार करने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह ऐसा करने से आपकी कामना पूरी हो सकती है, आपका जो मनोकामना है वह पूर्ण होते हुए दिख रही है। वहीं पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध में उपजी जो गलतफहमियां थी तो वह गलतफहमियां भी इस सप्ताह जो है दूर होंगी और आपकी नजदीकियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। इस सप्ताह आप जो है पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाते हुए नजर आएंगे। तो जो धनुराशि के जातक हैं, आपकी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनको आप इस सप्ताह बड़े ही अच्छे ढंग से निभाएंगे। अब बात करते हैं धनुराशि के जातकों के लिए उपाय के, कि उपाय क्या करें धनुराशि के जातक जिससे आप इस सप्ताह को सफलदायी बना सके। तो धनुराशि के जातकों को उपाय के तौर पर जो है प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी है और
पूजा में जो है केसर का आपको तिलक अर्पित करना है विष्णु भगवान को, और अपने आप पे भी जो है केसर का तिलक लगाएं और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो यह उपाय आपको करने हैं ताकि इस सप्ताह को आप सुफलदायक बना सकें। तो आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक मां भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। जय माता दी।